हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कोशिका ढांचा एवं कार्य, यानी कोशिका की ढांचा एवं कार्य यानी सेल स्ट्रक्चर एंड वर्क से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। दोस्तों, आप बस मेरे चैनल पे बने रहिए और डेली बेसिस पे वीडियो को वॉच करते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। चाहे KBS हो, NBS हो, TJT, PGT, LT, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बेस के आधार पर मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वीडियो, MCQ वीडियो, प्रीवियस ईयर वीडियो सभी उपलब्ध है। बस चैनल पे जाइए, सभी प्लेलिस्ट के अलग अलग चैप्टर का देखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका, यानी सेल। ये भी पूछा जाता है कि हमारी जीवन की सबसे यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो कोशिका है। क्या है? कोशिका। दोस्तों, जैसे एक एक ईंट से मिलकर दीवार बनता है, एक एक दीवार से मिलकर एक एक कमरा बनता है, एक एक कमरा से मिलकर एक महल बनता है, उसी प्रकार एक एक कोशिका से मिलकर हमारे ऊतक बनते हैं यानी टिश्यू, और एक एक टिश्यू से मिलकर एक एक अंग बनते हैं, एक एक अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। इसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका यानी सेल, यानी हमारे शरीर की, हमारे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में पावर हाउस यानी विद्युत गृह किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर में पावर हाउस यानी विद्युत गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का घर है, यानी ऊर्जा उत्पादन करता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम श्वास लेते हैं, उसका ऊर्जा बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ गृह यानी कि विद्युत गृह बोला जाता है। एंड दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हम जो भी सांस लेते हैं तो वह श्वसन यानी फेफड़ों के श्वसन होता है, वहां फेफड़ों के अंतिम छोर को हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई में रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ग्रहण करके ले जाता है कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, जहां वहां ग्लूकोज का पैरविक अम्ल में बदलता है, जहां पे अवायवीय श्वसन होता है, और जहां पे 2 ATP का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। वहां जाने के बाद ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में 2 ATP का निर्माण होता है शुद्ध, 4 ATP का निर्माण होता है बट 2 उपयोग हो जाता है और 2 बचता है, 2 शुद्ध ATP का निर्माण होता है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के वायवीय श्वसन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसको क्रेब्स चक्र साइकिल भी बोला जाता है, और इसमें कुल 38 ATP का निर्माण होता है यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ATP का निर्माण होता है, और ATP ऊर्जा के रूप में हमारे इंस्टेंट एनर्जी स्रोत कहा जाता है ATP को। और जहां जहां हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण यानी ऊर्जा का निर्माण करके हमारे शरीर को वहां वहां भेजता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे शरीर में पावर हाउस यानी कि विद्युत गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मानव शरीर की कोशिकाएं जल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को कहते हैं। तो कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। एंड दोस्तों, टिश्यू यानी उत्तक के अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को बोला जाता है मायोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। जोड़ों के अध्ययन को बोला जाता है एंथ्रोलॉजी। ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में नाभिकीय यानी न्यूक्लियस से बाहर के भाग को कहते हैं। तो दोस्तों, एक कोशिका में न्यूक्लियस के बाहर को भाग को हम कहते हैं साइटोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म। जैसा कि दोस्तों कोशिका, ये हो गई आपकी कोशिका, ये जो बीच वाला भाग है यह नाभिकीय हो गया, इसके अंदर जो होगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? इस वाले को साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो बीच वाला गोला है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो होता है द्रव्य उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और नाभिकीय के बाहर जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और दोस्तों, जब पूरी कोशिका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यानी कि नाभिक के अंदर और नाभिक के बाहर दोनों को मिलाकर के कहते हैं जैव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो है वही चीज, पूरी कोशिका में भरा है तो प्रोटोप्लाज्म यानी जैव द्रव्य। अलग अलग बोलेंगे तो केंद्रक के बाहर तो साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर के बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? तो दोस्तों, जो कोशिका की झिल्ली होती है, कोशिका जो है चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है यानी सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो दोस्तों, जैसे कि हमारे कोशिका में नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। उन क्रोमोसोम्स जब लंबे लंबे धागों में कुंडलित हो जाती हैं तो उसी को कहते हैं क्रोमोसोम्स, जिसमें किसके अणु से बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है, बट इसमें से 22 जोड़ी जो मीटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है जिसे कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं, और उसमें से 23वां जोड़ी जो होता है, 23वां जोड़ी जो होता है पुरुषों में XY और महिलाओं में XX, इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस होता है जिससे एक नए जीव का जन्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जींस का संवहन कब होता है? तो जींस का जो संवहन होता है वो गर्भाधान के समय होता है। नेक्स्ट है, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री की जनन कोशिका को अंडाणु यानी कि ओवम के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु यानी कि स्पर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो दोनों के संयुक्त कोशिकाओं को गेमेटस कहते हैं, जिससे मिलकर जायगोट्स यानी भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों तो पुरुष शुक्राणु में एक्स एंड वाई गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री में लिंग संबंधी कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो एक्स एक्स होते हैं। एंड दोस्तों, जब एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का, और यक्स यक्स मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या कार्य है? तो न्यूक्लियस यानी जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्रक होता है कोशिका में, वह समस्त कोशिका के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट वह केंद्र बिंदु यानी न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र बिंदु यानी कि न्यूक्लियस की खोज किया, केंद्रक की खोज किया। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जेनेटिक्स का पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन बनाता है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सुसाइडल बाय बाय राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है? इसको तो हम देख लिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली बोला जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। यह हमारे शरीर में शुद्धिकरण का काम होता है, जो भी बेकार कोशिकाएं हो जाती है, बिना काम का हो जाती है, उसको वो क्या करता है? खत्म कर देता है, खा लेता है, यानी इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि आत्महत्या की थैली बोला जाता है, और ये फट जाता है, इसलिए इसको एटम बम भी बोला जाता है। ठीक है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, एटम बम भी बोला जाता है, और पाचन बैग भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, आंखों में कौन सेल और रोड सेल होता है? तो कौन सेल का क्या कार्य होता है? यह रंगों के वर्गीकरण बताता है। ठीक है, मेन रूप से तीन रंगों को, लाल हरा और नीला। ठीक है, लाल हरा और नीला, इन रंगों को बताता है, रंगों में फर्क बताता है कि कौन सी वस्तु किस कलर का है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट है, रोड सेल का क्या कार्य है? तो दोस्तों, आंखों में कौन सेल और रोड सेल दोनों पाया जाता है, तो कौन सेल रंगों में वर्गीकरण बताता है, और रोड सेल क्या बताता है? यह रोशनी के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में? रोशनी के बारे में बताता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 गुणसूत्र जो है वो सेम सम सूत्र विभाजन होता है, जिसे माइटोसिस कहते हैं, यानी कि अपने ही जैसा कोशिका का विभाजन करता है। और तीसरा गुणसूत्र जिसमें अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस कहा जाता है, वह एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यदि केंद्रक के बाहर है तो साइटोप्लाज्म, पूरी कोशिका में है तो प्रोटोप्लाज्म, तो उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है, साइटोप्लाज्म को, यानी कि जीवरस। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म यानी जीवरस में किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों, इसमें मिश्रण होता है पानी और प्रोटीन का, यानी कि तीन भाग प्राणी पानी, एक भाग प्रोटीन, यानी 3:1 का अनुपात होता है पानी एंड प्रोटीन का।
नेक्स्ट है कायक यानी मिटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो इसमें 5 फेज होता है दोस्तों, जैसा कि मैं कोशिका वाली वीडियो में बताई हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं, तो शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजी को, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि हमारे अंदर जो भी तंत्र हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिक्रिएशन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है, दोस्तों शारीरिक रचना विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एनाटॉमी, जिसमें हमारे शरीर की संरचना ढांचा का अध्ययन किया जाता है कि किस आकार में कैसे बना है, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन करता क्या है दोस्तों, हमारे समस्त शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन से दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं यानी रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। जैसा कि दोस्तों अगर पूछेगा कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के तीनों को हटा देंगे, जो पानी जैसा द्रव दिखेगा वो आपका प्लाज्मा होता है, तो 55% हमारे शरीर में प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन से तात्पर्य है प्रोटीन और आयरन, हीम मतलब प्रोटीन, ग्लोबिन मतलब आयरन, यानी कि प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं को एंथ्रोसाइट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, जो हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जैसा कि दोस्तों रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को वैज्ञानिक रूप से एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो यह होता है 120 दिन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा पाई कहाँ जाती है दोस्तों, जो हमारी लंबी अस्थियां होती है तो उसमें खोखला भाग होता है जिसे हेवर्सियन नॉल बोलते हैं, उसी में आरबीएम और वाईबीएम होता है यानी कि जिसमें रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, तो मानव शरीर में रेड ब्लड सेल्स का कहाँ निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था में रेड ब्लड सेल्स का कहाँ निर्माण होता है, तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण जो होता है वह हमारे लीवर यानी यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक यमल रक्त में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं, 50 लाख यानी कि 5 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 6 से 12 दिन का होता है। नेक्स्ट है कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, तो वह कौन सी कोशिका होती है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स का। व्हाइट ब्लड सेल्स का होना हमारे शरीर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने में सहायता करती है, हमें रोगों से या संक्रमण से रक्षा करती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार आता है, इसको ध्यान में रखिएगा व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्यूबिक यमल रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 6,000 से 10,000 होती है, यानी कि दोस्तों कई बार यह 11,000 से 10,000, 6,000 से 11,000 भी देखा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच वैल्यूम कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच वैल्यूम होता है 7.35 से 7.45 तक। जैसा कि दोस्तों पीएच के हिसाब से हमको पता चलता है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, यानी कि जब पीएच वैल्यूम 7 से कम होगा किसी चीज का तो वह अम्लीय होगा, और 7 होगा तो वह उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा। यानी कि रक्त का पीएच वैल्यूम कितना है? 7.35 से 7.45, यानी 7 से ज्यादा है, यानी कि हमारा रक्त कैसा है? क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है दोस्तों? तो वह है आपका प्लेटलेट्स। और विटामिन में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो विटामिन के। ठीक है। एंड दोस्तों मिनरल्स में यानी कि तत्वों में कौन करती है? तो कैल्शियम करती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे यकृत में निर्माण होता है फाइब्रिनोजन, प्रथंबिन, वो भी आपको रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है। और कौन हमारे रक्त को शरीर के अंदर तरल अवस्था में बनाए रखता है, यानी कि जमने नहीं देता है दोस्तों? तो हमारे शरीर के अंदर होता है हिपेरिन, जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। यदि शरीर में रक्त जम जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और जब बाहर हम कट जाते हैं तो बाहर कटने के बाद अगर रक्त बहता रहेगा तो हमारे शरीर से पूरा रक्त खत्म हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसके लिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है हिपेरिन। जब ही हमारा शरीर कट जाता है तो खून बाहर निकलने लगता है, तो हिपेरिन जो है वायु के संपर्क में आने से प्रभावहीन हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है। और कौन काम करने लगता है? प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, प्रथंबिन, विटामिन के एंड कैल्शियम, ये सब काम करने लगते हैं और हमारा रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे हमारा रक्त वहीं पे रुक जाता है। नहीं तो क्या होता, पूरा शरीर से रक्त, हीमोफिलिया ऐसा रोग होता है। हीमोफिलिया रोग में क्या होता है कि शरीर से कट जाने पर मतलब रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, पूरा रक्त बाहर निकल जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है हीमोफीलिया रोग में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेन्युलर लिकोसाइट की संख्या मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, जिसमें से ग्रेन्युलोसाइट 75% और अग्रेन्युलोसाइट जिसमें 25% होती है, जिसमें मोनोसाइट एंड लिकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, और ग्रेनुलोसाइट में आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होता है। तो इसके कार्य के बारे में डिटेल में ब्लड वाले पार्ट में पढ़ा दी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है 90%, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और प्रोटीन की मात्रा 8 से 9% होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड हमारे शरीर में 70% जल होता है, मांसपेशियों में 75% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र का क्या होता है? तो दोस्तों कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? तो दोस्तों हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल मांसपेशियों की तरफ बढ़ता है, ऐच्छिक मांसपेशियों की तरफ बढ़ता है,
जिससे हमारे शरीर में जो भी मांसपेशी में गंदगियां होती हैं वो बाहर निकलता है, हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में 70% जल होता है। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। नेक्स्ट है, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो दोस्तों यह मांसपेशी सिद्धांत लागू होता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जब भी बात आए खेल कूद में शक्ति प्रयोग की, बल लगाने की बात, तो वहां पे मांसपेशी ही विशेष रूप से काम में आएगी, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन बल प्रयोग से रिलेटेड आए तो वहां पे मांसपेशी ऑप्शन होगा, स्ट्रेंथ ऑप्शन होगा तो वहां पे मांसपेशी दिया रहेगा तो मांसपेशी होगा, स्ट्रेंथ दिया रहेगा तो स्ट्रेंथ होगा, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ताकत शब्द बोला है दोस्तों, शक्ति मापने का कार्य करता है आपका डायनेमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? दोस्तों तो सामान्य तापक्रम होता है 98.4 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट, और डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोजिला किसके निर्माणक है? तो ये निर्माणक है स्नायु तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? तो कौन सी कोशिका है दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि दोस्तों टिश्यू जो है कई प्रकार के होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और तंत्रिका टिश्यू, ये 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि WBC में लिम्फोसाइट्स का कितना परसेंट होता है? तो 30%, ठीक है, कहीं कहीं 25% मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC का कार्य है, तो WBC का क्या कार्य है दोस्तों? यह व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है, संक्रमण से रक्षा करता है, ठीक है, बैक्टीरिया से रक्षा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो इसमें होती है मोनोसाइट। अब मोनोसाइट करता क्या है दोस्तों? एक कोशिका जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको भक्षण करने का काम करता है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों इसमें होता क्या है, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो होती है वो उसको देख लेता है, पहचान लेता है और वह बता देता है टी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट उसको मार देता है, और मारने के बाद जो मोनोसाइट होता है उसको भक्षण कर लेता है, यानी कि बैक्टीरिया को खाने का काम करता है मोनोसाइट, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारा रेड ब्लड सेल्स में से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करके सीधे कोशिका में ले जाती है, कोशिका में सबसे पहले मुलाकात होता है कोशिका द्रव्य में, और वहां पे आपका ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि ग्लूकोज को पाइरूविक अम्ल में बदलता है और 2 ATP का निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में, जहाँ कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद जाता है माइटोकांड्रिया में, जहाँ वायवीय श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन होता है, आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन में एक श्वसन में कुल 38 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को कहते हैं?
तो क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोन बोला जाता है। नेक्स्ट है संयोजक कोशिकाएं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है दोस्तों? तो ये हमारे हड्डियों, स्नायु और लिगामेंट्स, इन सब को जोड़ती है। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, हड्डी जो है कनेक्टिव टिश्यू है, यह ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और डेली बेसिस पे इसी तरह बने रहिए। टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को मैं इसी तरह वन लाइनर क्वेश्चन में पहले रिवाइज करा दूंगी, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी, आपके एग्जाम से पहले सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बस आप मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बने रहिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।